आईटीआई क्या है? क्या आपने पहले कभी आईटीआई के बारे में सुना है? लोग अक्सर आईटीआई और आईआईटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्दों में सिर्फ आई की प्लेसमेंट अलग अलग है। वैसे दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। माना कि दोनों ही टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित हैं, लेकिन जहाँ आईआईटी एक प्राइमर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो बीटेक, एमटेक और पीएचडी जैसी रिसर्च चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहीं आईटीआई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट के मुकाबले प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि स्टूडेंट 8वीं और 10वीं के बाद नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे स्टूडेंट आगे की पढ़ाई के बदले में आईटीआई कोर्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आईटीआई एक जॉब स्पेसिफिक कोर्स होता है जो कि स्टूडेंट को जल्द ही जॉब प्रदान कराता है। आईटीआई एक प्रकार का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेड्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, वेल्डिंग, ऐसे कई तरीके के ट्रेड्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीआई में प्रदान किए जाने वाले कोर्सेज को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया होता है जिससे कि स्टूडेंट को उचित तरीके से सिखाया जा सके, अच्छी तरीके से सिखाया जा सके। वहीं एक बार कोर्स के पूरे होने के बाद स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है उनके ट्रेड के हिसाब से, वो भी एक इंडस्ट्री की अवधि 1 साल से 2 साल तक होती है। यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी किसी एक इंडस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हें पूरी करने के बाद ही आप नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT के सर्टिफिकेट के लिए अपेयर हो सकते हैं। वैसे वो तो आईटीआई की दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाएं हैं, लेकिन गवर्नमेंट रन आईटीआई की ज़्यादा डिमांड है। चलिए अब जानते हैं कि आईटीआई कितने प्रकार की। आईटीआई ट्रेड मतलब दो प्रकार की होती है, पहली इंजीनियरिंग ट्रेड, दूसरी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल होती है जिसमें तकनीकी से जुड़ी ट्रेनिंग होती है। इस प्रकार की ट्रेड के लिए छात्रों को ज़्यादातर गणित और विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वहीं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसके अलावा विज्ञान या तकनीकी से कम ही संबंध रखे जाते हैं। उन्हें अक्सर छात्रों को ऐसा सब्जेक्ट दिया जाता है जिनमें उनकी दिलचस्पी यानी रुचि होती है। आईटीआई की ट्रेड्स की बात करें तो इनकी संख्या करीब 100 से भी ज़्यादा है। वहीं आप इनमें से अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं और आसानी से आप उस सब्जेक्ट पर पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी पा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की